कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में रेल हादसा हुआ है, जहां साबरमती एक्सप्रेस की बोगियां डिरेल हो गई हैं। कानपुर से भीमसेन स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ है। एक बड़े बुल्डर से इंजन की टक्कर हुई थी। हादसे में इंजन के डैमेज होने की खबर है। सुबह 2:30 से 3 बजे के बीच ये हादसा हुआ। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। वाराणसी से अहमदाबाद ट्रेन जाती है। बता दें कि 20 बोगियों के डिरेल होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं। तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये बोगियां डिरेल नजर आ रही है। इसके साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग जगहों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जहां कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये बड़ा रेल हादसा हुआ है। साबरमती एक्सप्रेस की बोगियां डिरेल हो गई हैं। कानपुर से भीमसेन स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक बड़े बोल्डर से इंजन की टक्कर हो गई और इसी हादसे में 20 बोगियां डिरेल हो गई। अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से हट गई, उसके बाद से अधिकारी युद्ध स्तर पर जुटे। हालांकि इसमें पूरी की कैजुअल्टी नहीं हुई। रेलवे के अधिकारी जहां एक और जांच कर रहे हैं, वहीं प्रशासनिक अधिकारी का और इनके साथ जुड़े अलमा जुड़ा है कि ताकि लोगों को अपने डेस्टिनेशन पर। एडीएम सिटी सर हमारे साथ हैं। सर कैसे देख रहे हो घटना, क्या हुई पूरे बताएं सर। देखिए ये भोर में जो है घटना घटी है। करीब साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे डिरेल हो गए, लेकिन ये अच्छी बात है कि कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को कोई इंजरी नहीं हुई, कोई दुर्घटना घटना नहीं हुई, सब सुरक्षित हैं। सभी को जो है यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग, जिला प्रशासन के लोग, जिलाधिकारी महोदय खुद आए थे। एम्बुलेंस, मेडिकल टीम, आरटीओ के द्वारा बसों वगैरह का इंतजाम भी किया गया है। आप देख रहे होंगे कि बसें भी खड़ी हैं, लोग बसों से, और रेलवे द्वारा जो है मेमो ट्रेन का भी वो किया गया इंतजाम, जिससे लोगों को जो है वापस स्टेशन भेजा जा रहा है। और यहाँ पर लोगों को खाने पीने सारी इंतजाम जो है करा दिया गया था। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई सर। कोई कैजुअल्टी तो नहीं हुई, कोई इस पूरे मामले में कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं है, कोई ऐसी सूचना? कोई कैजुअल्टी नहीं है, कोई किसी कोई घायल भी नहीं हुआ है, सब सुरक्षित। तो देखिए सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। 20 बोगियां डिरेल हो गई। बताया जा रहा है कि इंजन खास करके क्षतिग्रस्त हुआ, उसके बाद से 20 बोगियां डिरेल हो गई। बताया जाता है कि एक बड़े बोल्डर से इंजन की टक्कर हो गई और ऐसे में बोगियां ये डिरेल हुई हैं। तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं जहां ये बोगियां डिरेल नजर आ रही है। पहिए इनके ट्रैक से उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कानपुर से भीमसेन के बीच ये बड़ा हादसा हुआ है। बड़े बोल्डर से इंजन की टक्कर हुई थी। 20 बोगियां डिरेल हुई। अलग अलग जगहों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इस ट्रैक पर रेलवे के परिचालन में थोड़ा और वक्त लग सकता है। रेलवे के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।